आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करेंगे। ये कहानी प्रणव की बारे में है जो कि स्कूल में पहली बार जा रहा है। चलिए कहानी शुरू करें। कहानी का टाइटल है स्कूल में प्रणव का पहला दिन। यह प्रणव की दुनिया सीरीज में से ली गई है जो कि एकलव्य ने प्रकाशित की है। कहानी लिखी गई है नंदिनी नायर द्वारा और चित्र बनाए गए हैं दिलीप चिंचालकर द्वारा। कहानी शुरू करते हैं स्कूल में प्रणव का पहला दिन। यह कहानी एकलव्य की द्वारा प्रकाशित की गई है। आप किताब भी खरीद सकते हैं। एक दिन प्रणव की माँ उसे स्कूल ले गई। वहाँ बहुत से दूसरे बच्चे थे, वे सब रो रहे थे। ये रो क्यों रहे हैं, प्रणव ने माँ से पूछा। क्योंकि वे नहीं जानते कि स्कूल में कितना मज़ा हो सकता है, माँ ने कहा। पर तुम तो यह जानते हो, है ना, प्रणव ने हाँ में सिर हिलाया। माँ ने उसे स्कूल के बारे में सब कुछ बताया था। और इसलिए तुम नहीं रहोगे रोओगे और इसलिए तुम नहीं रोओगे, है ना, माँ ने पूछा। प्रणव ने सिर हिलाकर नहीं कहा। वह रोने वाला नहीं था। उसने माँ को बाय बाय किया और पलटकर दूसरे बच्चों को देखने लगा। वे सब जोर से रो रहे थे, उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। प्रणव ने उन्हें कुछ देर देखा और उसे अचरज हुआ कि उनके पास कितने सारे आंसू थे। क्या ये सभी पूरे सूख जाएंगे, उसने सोचा, और उसके बाद वे कैसे रोएंगे। प्रणव बच्चों को रोते हुए देखकर थक गया उसने नज़र घुमाई और एक बच्चे को देखा जो रो नहीं रहा था। प्रणव उसके पास गया और मुस्कुराया। वह बच्चा भी मुस्कुराया। फिर दोनों बैठकर सब रोने वाले बच्चों को देखने लगे। प्रणव्स फर्स्ट डे एट स्कूल, नाउ इन इंग्लिश। वन डे प्रणव्स मदर टुक हिम टू स्कूल। देयर वर लॉट्स ऑफ अदर चिल्ड्रन देयर। दे वर ऑल क्राइंग। Why are they crying? Pranav asked his mother. Because they don't know how much fun school can be, his mother said. But you know that, don't you? His mother asked him. Pranav nodded. Mother had told him all about school. And that is why you won't cry, will you? Mother asked. Pranav shook his head. He was not going to cry. He waved goodbye to his mother and turned to look at his new classmates. They were all crying loudly, tears streaming down their cheeks. Pranav watched them for a while. He was surprised that they had so many tears. Would these ever dry up, he wondered, and how would they cry after that? Pranav got tired of watching them. He looked around and saw a boy who was not crying. Pranav walked to that boy and smiled at him. The boy smiled back. Then both sat down to look at all the other crying children. That is the end of the story. Bye bye.